नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। पंचायत के फैसले के हिसाब से वोटिंग नहीं करने पर चार लोगों पर लटक रही है मौत की तलवार, और रेप के इरादे से घर में घुसे युवक की फोड़ दी गई दोनों आंख। हर किसी को हिलाकर रख देने वाले इन वारदातों के अलावा आज हम आपको इस बात ये खबर भी दिखाएंगे कि क्यों 7 साल के बच्चे को टुकड़ों में काट डाला गया। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सात साल के लड़के की लाश 7 से ज्यादा टुकड़ों में मिली, वो भी उस जगह से जहां वो अपनी मां के साथ छुट्टी बिताने गया था। लेकिन वहां मिल रहे लोगों के प्यार के चलते छुट्टी खत्म होने के बाद भी वो अपने घर नहीं लौटना चाहता था। हालांकि लड़के की हत्या का राज अब तक बेपर्दा तो नहीं हो सका है, लेकिन कत्ल की ये कहानी हर किसी की रूह कंपा देने वाली है। किसने की 7 साल के प्रिंस की हत्या? कातिल ने क्यों ली प्रिंस की जान? हत्या के बाद नाक, कान और गाल क्यों काटे? ननिहाल वालों की दुश्मनी का शिकार बना प्रिंस। ये तस्वीर 7 साल के मासूम प्रिंस की है, लेकिन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए इस बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके पेट में चाकू घोंपा गया, गले को धारदार हथियार से रेता गया, दोनों कान काट लिए गए, नाक भी काट दिया गया और दोनों आंखों को निकालने की कोशिश भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 7 साल के इस मासूम को किसी ने इतनी बेरहम मौत क्यों दी, और वो कौन है जिसने अपने मायके आई प्रिंस की मां की गोद सूनी कर दी? ननिहाल में हुआ प्रिंस का कत्ल, अरहर के खेत से मिली प्रिंस की लाश, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रिंस के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया गया। और यहां जिस किसी को इस बच्चे की बेरहम हत्या की कहानी पता चली वो सिहर उठा। 7 साल का मासूम प्रिंस कैमूर जिले के मोहनिया के रहने वाले दिलीप शाह का बेटा था, और कुछ दिन पहले वो अपने ननिहाल रोहतास जिले के तिलौथू ब्लॉक के महाराजगंज गांव आया था। घर वालों के मुताबिक रविवार शाम को प्रिंस अपने ममेरे भाइयों और गांव के कुछ दूसरे बच्चों के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था, मगर खेलते खेलते वो कहां चला गया किसी को पता नहीं चला। शाम ढलने के काफी देर बाद भी प्रिंस जब घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसी दरमियान गांव से सटे अरहर के खेतों से लोगों को प्रिंस की लहूलुहान लाश बरामद हुई। चारों तरफ परेशान हो गए, नहीं मिला। इसके बाद में फिर शाम को पता चला 4 बजे के लमसम में, तो वही हम लोग गए तो देखे कि लड़का को मार करके राहत में फेंक दिया गया। किस अवस्था में था जब? बस इसी तरह अवस्था तो क्या बतावा जाए, गला काट, हाँ गला काट दिया गया था, गाल दोनों काट दिया गया था, नाक काट लिया गया था, पेट में चाकू मार दिया गया था। घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रिंस को ऐसी बेरहम मौत किसने दी और इसके पीछे कातिल का मकसद क्या था। बहरहाल मामले की सूचना पाकर तिलौथू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। इनके परिजन आए सर और बोले कि ये बच्चा शाम को खेलने के लिए घर से निकला, स्कूल से आने के बाद उसके बाद से घर नहीं आया, तो इन लोग खोजबीन करने लगे, तो कल पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया, तो पुलिस वहाँ गई। मतलब बच्चे की गला रेत कर हत्या है? हाँ जी, वही वही मिला बच्चे को। मैंने गला, मैंने कहाँ मिला सब? गांव के बगल में रहरी का।
मामले की जांच कर रही पुलिस को भी इस हत्या का राज समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आशंका यह जताई जा रही है कि या तो किसी ने प्रिंस के मामा से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी, या फिर बच्चे के साथ किसी अपरिचित शख्स ने कुछ गलत करने की कोशिश की और उसका राज ना खुल जाए। लिहाजा पहले तो प्रिंस का कत्ल किया और फिर उसकी पहचान जाहिर ना हो इसलिए उसके शव का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। अब बात पांचवी क्लास में पढ़ने वाली उस लड़की की जो 3 महीने से हर पल खौफ के साये में जीती रही, लेकिन डरी सहमी उस लड़की ने जब अपना मुंह खोला तो घर वाले सन्न रह गए, क्योंकि उस लड़की के डर की वजह थी एक एमएमएस जिसे गांव के ही कुछ लड़कों ने उसका रेप करते वक्त बनाया था। पांचवीं क्लास की छात्रा का एमएमएस, एक युवक ने किया रेप, दो ने बनाया एमएमएस। दूसरी बार रेप के बाद लड़की ने खोली जुबान। बीते 3 महीनों से पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की का हर लम्हा खौफ के साए में बीत रहा था। ये ना तो अपने डर का मुकाबला कर पा रही थी, ना ही शर्म के चलते अपने घर वालों को अपने साथ हुए हादसे की हकीकत बता पा रही थी। लेकिन जिन 3 युवकों ने इसे अपने खौफ के शिकंजे में जकड़ रखा था, जब उन्होंने दूसरी बार इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया तो लड़की चुप नहीं रह सकी। इसने घर वालों को हकीकत बता दी, लेकिन वो सच इतना खौफनाक है जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। वहाँ लेके जाके बाजार दिया, बाजार के उसको मुंह मूंद दिया, हाथ से मूंद दिया। कर बाद में की करा कि छेड़खानी करा, बच्चा चिल्लाए लगा तो फिर मुंह मूंद दिया। मूंद देगा तो बोलेगा, कैसे बोलेगा, नहीं बोलेगा। एगो छेड़खानी करा है और दू गो देखभाल है, गलत काम कर दिया है। छेड़खानी वो नहीं किया, गलत काम भी कर दिया है। इसके पहले भी किया था? एक झोंक याव करा है तो महसूस कर लिया कि भाई बालचा भगा सीधा तीरा छू दिया, तो महसूस कर लिया कि जाओ भाई बच्चा लड़का है, तो महसूस कर लिया। और फिर दूसरा बार हो गया, फिर करेगा तीसरा बार, तो हम कैसे रहेंगे। नालंदा के रहुई थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली इस लड़की के साथ दो दो बार रेप करने वाले आरोपी भी उसी गांव के रहने वाले हैं। लड़की के मुताबिक पहली बार करीब 3 महीने पहले जब वे अपने घर से सटे भूसा घर में मवेशियों के लिए भूसा निकालने गई थी, तभी 3 लड़के आए और इसे दबोच कर वहीं बने दूसरे कमरे में ले गए, जहां रोहित राज नाम के शख्स ने इसके साथ रेप किया, जबकि बाकी के 2 लड़के मोबाइल से उस वक्त का वीडियो बनाते रहे और उसी वीडियो का डर दिखाकर वो तीनों इस लड़की को लगातार परेशान कर रहे थे। लड़की के मुताबिक रविवार को भी तीनों लड़कों ने इसे इसके घर के पास से ही उठा लिया और उसी जगह पर ले जाकर वारदात को उसी अंदाज में दोहराया। हम गए कट्टू लेकर मोबाइल से, फोटो खींचता था। क्या बोला? हाँ, क्या बोला? फोटो खींचने के बाद फोटो करके हाथ पकड़ के मैं चोड़ देबो। पहले से भी तुमको तंग करता था? हाँ, आज से बहुत दिन से कर रहा था। बहुत दिन से कर रहा था? हाँ। अभी तक मैंने कई बार तुम्हारे साथ इस तरह किया है? 3-4 बार। हाँ। लेकिन दूसरी बार हुई वारदात के बाद लड़की ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। सच जानकर घर वाले सन रह गए, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इन्होंने फौरन थाने जाकर रोहित और उसके दोनों साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लड़की के परिवार वालों की मांग है कि आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई और मनचला किसी लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा सके। बहरहाल केस दर्ज करने के बाद रहुई थाना पुलिस ने मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे वोट के लिए पंचायत का तालिबानी फरमान।
एक उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो पंचायत ने सरेआम पिटाई कराई और हुक्का पानी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़ित थाने गया तो पंचायत ने हत्या का फरमान सुना दिया। ये खौफनाक हकीकत है बगहा के गांव की। बगहा की पंचायत का तालिबानी फैसला, अपने मन से वोट देने वाले वोटरों की पिटाई, दूसरे उम्मीदवार को वोट देने पर हुक्का पानी बंद, पुलिस में जाने पर पंचायत ने सुनाया हत्या का फरमान। यकीन नहीं होता लेकिन ये सच है। सच बगहा के वाल्मीकि नगर थाना इलाके के चंपापुर गनौली पंचायत के चंपापुर थारू टोला गांव का, जहां कुछ दिन पहले हुए पैक्स चुनाव में अपनी मर्जी से वोट देने पर गांव की पंचायत ने पहले तो सरेआम चार लोगों की पिटाई कराई और जब पीड़ितों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया तो चारों के खिलाफ हत्या का फरमान सुना दिया। अभी तक धमकी, अभी तो खोज रहा है कि आओ उसको देखो, जहां भी उसको मार के ऐसे खत्म कर दो। एकदम फुल लाउडर। कौन-कौन लोग हैं इसमें? प्रेम लाइन महतो उप मुखिया और बीडीसी हरकेश्वर महतो बीडीसी के पद में है। पीड़ितों का दर्द और आरोपियों का चेहरा जानने से पहले ये जान लीजिए कि पैक्स चुनाव से पहले गांव की उस पंचायत ने क्या फैसला सुनाया था, जिसमें गनौली पंचायत के उपमुखिया प्रेम नारायण महतो और पंचायत समिति के सदस्य नंदलाल महतो भी शामिल थे। आज जो है कि हम लोग का लग रहा है कि अंग्रेजों से बढ़ करके ये शासन हो रही है। अंग्रेज की टाइम में इतना शासन नहीं था, मगर आज भी ऐसा शासन हो रहा है कि सोचने की हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या ये नीति है, क्या जो है गति हो रहा है, क्या सरकार का नियम है, क्या यहाँ पंचायत की नियम है। गांव वालों के मुताबिक पैक्स चुनाव से पहले इस फरमान के साथ गांव में 5 बार पंचायत बुलाई गई और कहा गया कि जो वोटर पंचायत में नहीं शामिल होगा उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही 20 बार जूतों से पिटाई भी की जाएगी। इस फैसले के डर से गांव का हर वोटर पंचायत में शामिल हुआ, जिसमें यह फैसला सुनाया गया स्लेट छाप वाले उम्मीदवार को ही वोट देना है। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि जो वोटर स्लेट छाप पर मुहर नहीं लगाएगा उसका हुक्का पानी बंद कर परिवार सहित गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन मंगलवार को जब वोटों की गिनती हुई तो पंचायत समर्थित उम्मीदवार हार गया। साथ ही वोटों की गिनती के दौरान पाया गया कि थारू टोला निवासी धरिक्षण महतो, निर्मला देवी, चंदन कुमार और शंकर महतो ने पंचायत के आदेश की अनदेखी करते हुए स्लेट छाप वाले उम्मीदवार की जगह दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है, जिसके बाद चारों को पंचायत में बुलाया गया जहां गांव वालों ने चारों की बेरहमी से पिटाई की। पहले आया तो इसके बांध दिया ही गटाई, उसमें और आदमी एक है चला दिया हमको इसमें हाथ है, और दो आदमी था बातें से मारो 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 सारा समाज डूट गया। हाँ, हम बेहोश हो गया। तब उसके बाद हम तो देख नहीं पाए कि कौन है मारता है कौन बचाता है। तुम्हारा पत्नी आई यही अब सब करी हरी सब, तो होश हुआ आधा घंटा से और आधे घंटा होश हुआ तो फिर बुलाया मंच में जे आओ फिर बुलाओ उसका मंच में। हाँ, फिर गए सभी से हम माफी मंगवाया। नवंबर के दिन मुखिया जी के बगीचे पे हम लोग को पैक्स के संबंधित चुनाव का मामला में मीटिंग बैठाया गया, जिसमें हम लोग को धरिक्षण जी और शंकर जी को इन्होंने मिलकर पीटे लोग, और ये लोग जबरदस्ती वोट देने के संबंध में बात कर रहे थे लोग। जी हाँ, पिटाई से बेहोश हुए शंकर महतो को होश आने पर दोबारा पीटा गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन शंकर महतो डरे नहीं, वो सीधे एसडीएम दफ्तर गए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद अब इनकी हत्या का फरमान सुनाया जा चुका है। ना वो पार्टी के तरल बा हमरे हाथ से, तब हमके छांट दे लेबा, हमका पानी बंद कर दे लेबा, अपने समाज से निकाल दे लेबा। मुझे छांट दिया। हाँ,
हम इधर उधर हितनाथ घर भटकत नहीं जोहत नहीं, सरकार से भी हम ये बात के हम कहत नहीं कि कैसे हमार गुजारा हो। सब लोग डराता है। क्या धमकी मिल रही है आपको? जे थी ओकरी कहू पावर रहतम तो ओकरी के मार द, भले कुछ होखी ओकरी के मार द, जान से मारने की। हां भले केस लड़ल जे गांव वाला कहता बाकी ओकरी के मार। आप लोग गांव से निकाल दिया गया? हां हम लोग को बड़ा डर लगता है, कहता है कि तू लोग अगर कहीं केस मुकदमा किया तो तू लोग के मार के हम लोग फेंक देंगे। जिस चुने हुए जनप्रतिनिधि प्रेम नारायण महतो पर लोकतंत्र का गला घोंटने और ये तालिबानी फैसला सुनाने का आरोप लग रहा है, वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहा है। लेकिन इसमें फरार चल रहा है ये पता है आपको? जी नहीं सर, अभी तो आरोप है कि वोट देने के लिए जबरदस्त दबाव दिया है। जी नहीं है, और हुक्का पानी तक बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है सर। आप फरमान आपकी तरफ से जारी किया गया है पंचायती फरमान? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। पूर्व में भी आपने ऐसा फरमान? नहीं 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 सर, कुछ नहीं सर, हमने किसी को फरमान नहीं दिया है। अभी भी आप मैंने जिस जगह ऐसा हुआ है आप जाकर भी तलाश कर सकते हैं सर कि उनका पानी बंद हुआ है। ये शख्स खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी के खौफ ने इन चार लोगों के साथ इनके परिवार का जीना मुहाल कर रखा है। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, न ही इन लोगों को यह भरोसा दिला सकी है कि इलाके में गुंडों का नहीं बल्कि कानून का राज है। इमरान, जी मीडिया, पगा। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जुर्म की एक और कहानी। एक शख्स की गलती की सजा तय करते हुए उन लोगों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली, जिसके बाद पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जब आप आंख फोड़ने की वजह जानेंगे तो आपके लिए सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सच यही है कि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं। उसने घर में घुसकर की रेप की कोशिश, घर वालों ने पकड़कर फोड़ डाली उसकी आंखें। कानून हाथ में लेकर पीड़ित से बन गए गुनहगार। अस्पताल के बेड पर पड़ा अजय कुमार अब अपनी आंखों से देख भी पाएगा या नहीं, हर वक्त डॉक्टरों से यही सवाल पूछ रहा है। असल में इसे एक संगीन जुर्म का गुनहगार मानते हुए दो लोगों ने इसकी दोनों आंखें फोड़ डाली हैं। रविवार को हुई वारदात के बाद इसे फौरन मधेपुरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने हाथ खड़े करते हुए इसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। अजय मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के भेलाही गांव का रहने वाला है। इसके मुताबिक इसी के पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने मिलकर इस पर हमला किया और बुरी तरह पिटाई करने के बाद इसकी आंखें फोड़ डाली। अजय के साथ हुई इस वारदात से पूरे इलाके के लोग सन्न हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसकी आंखें फोड़ने वाले आरोपियों को सही बताते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अपने घर की औरत को अजय की गंदी नजर से बचाने के लिए इसकी आंख फोड़ी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि रविवार की रात अजय अपने पड़ोस के घर में एक महिला को अकेला देख घर के अंदर घुस गया और रेप करने के इरादे से महिला पर टूट पड़ा, लेकिन महिला की आवाज सुनकर घर के बाहर बैठे परिवार के दूसरे लोग अंदर आ गए और इसे पकड़ लिया।
उसके बाद सभी लोगों ने इसकी बुरी तरह पिटाई की और फिर कानून को हाथ में लेते हुए खुद बतौर सजा इसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। कल की घटना है जब अजय यादव नाम का लड़का किसी के घर में घुस गया था, वहाँ उसकी बुरी नीयत थी और लोगों ने उसको पकड़ लिया रंगे हाथ। उसके घर वाले उसको बुरी तरह से मारपीट किए और आंख भी डैमेज कर दिए और दोनों जो उसको बुरी तरह से मारने वालों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस। उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और जख्मी हालत में उसका तुरंत मधेपुरा अस्पताल में इलाज कराया गया और उसके बाद PMCH रेफर कर दिया गया है जहाँ आउट ऑफ डेंजर बतलाया गया। बेशक अजय की करतूत के लिए उसे इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन गुस्से में पीड़ित महिला के परिवार वालों ने जो गुनाह कर डाला उसके बाद समाज के लोग भी अजय की जगह उनके खिलाफ ही खड़े हो गए। कौन आदमी गलत किया है? गलत किया है तो जहां न्याय है वहां पे उसके हवाले कर दे, पुलिस है और भी पदाधिकारी है उसके हवाले कर दे। अपने हाथ में कानून को लेना हर जगह से गैर कानूनी है। जो कानून को हाथ में लेते हैं वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो दरिंदा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है कानून का जो प्रावधान है उसमें थोड़ा समय लगता है, लोग अपना पेशेंस नहीं रख पाता है, क्योंकि लोगों को अपना पेशेंस रखना चाहिए। जब तक पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर कानून तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कोई प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, कानून का तो अपना अलग प्रक्रिया होता है। बहरहाल पुलिस ने अजय के गुनहगारों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है और डॉक्टर अजय की आंख की रोशनी वापस लाने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक आरोपी के साथ हुआ यह जुर्म और उस जुर्म के आरोपियों को लेकर हर कोई सही और गलत का हिसाब लगाने में जुटा हुआ है। शंकर कुमार, जी मीडिया, मधेपुरा। पूर्वैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।